नमस्ते, मैं हूँ स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। आज देखिए मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ रोटी, बहुत सारा रोटी रोटी बनाने आया हूँ और ये इनको मैंने तोड़ के डाल दिया। ये मॉर्निंग का रूटीन है, डेली मॉर्निंग में मुझे करीबन ये अभी टाइम हो रहा होगा कब, करीब में 5:30 या 6 हो रहे होंगे, सुबह का टाइम है, 6 बज रहे होंगे। और ये देखिए ये डक्स को मैंने करीबन जितनी रात की रोटियां बची होती हैं वो, मतलब ऐसा है नहीं कि तो जितनी भी रोटियां बची होती हैं, जैसे 7, 8, 10 जितनी रोटियां बची हैं वो सब ला के इनको मैं दे देता हूँ। ये बहुत ही प्यार से खा लेती हैं, देखिए कैसे खा रही हैं। पूरे वीडियो में आप देखते रहिए ये कैसे खा रहे हैं। और ये बहुत ही प्यारे थे, पहले 2 थे, पहले मेल और फीमेल थे, ये सारे उनके बच्चे हैं। और इसी के साथ में ये देखिए पूरा ये मेरा तालाब है जिनको मैंने बनवाया है और इसी में ये सारे डक्स रहते हैं। और चारों तरफ से ये बैरिकेड है, जाली जैसे आप देख रहे हैं, चारों तरफ से वैसा बंधा हुआ है ताकि ये इसे बाहर ना जा पाए या फिर कोई और जानवर कुत्ते वगैरह इसे खा ना पाए। और बिल्कुल तो अच्छा रहता है, ये बहुत ही खूबसूरत देखने में, बहुत ही प्यारे लगते हैं, बहुत ही प्यारा है ये। और ये थोड़े से होते हैं शाम में, इन्हें हम अपने घर के साइड में लाके इनको हम केज में पैक करते हैं ताकि रात में, क्योंकि इनको रात में कुछ दिखाई नहीं देता है इस वजह से, ये हो सकता है कोई रात में जानवर या फिर इस तरीके की चीज़ें आए तो खा जाए। ये देखिए खाने के लिए कैसे एक दूसरे से लड़ाई करते रहते हैं, बहुत ही प्यारे हैं, बिल्कुल वाइट से हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये राजहंस है, ये देखिए फिर खाने के लिए कैसे दौड़ा और बहुत ही प्यारा लगता है ऐसे इस तरीके का चीज़ जो होता है, मुझे तो बहुत ही पसंद है पर्सनली इस तरीके की सारी चीज़ें हैं। तो ये करीबन मैं 2 लेके आया था, अभी ये टोटल नंबर में 7 हो गया है। जो इनकी हैचिंग का अगर मैं बता दूँ तो ये करीबन होली के टाइम अप्रॉक्स मार्च में ये अंडे देते हैं, फिर इनको 45 to 40 डेज अप्रॉक्स ये हैच करते हैं, उसके बाद उसमें से बच्चे निकलते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। अब इनके सारे बच्चे आएंगे तो अब अपडेट रहेगा मेरे चैनल से, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। इनका मैं पूरा डिटेल वीडियो अपने यूट्यूब वीडियो पे मैं शेयर करूँगा, यूट्यूब चैनल पे, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी अपना शेयर करूँगा। तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें इनका पर डे अपडेट देखने के लिए, कैसे कैसे इनका क्या क्या होता है प्रोसेस। और ये देखिए कैसे लड़ाई करते हैं, बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही खूबसूरत होते हैं। एक बार मैं आवाज़ देता हूँ तो ये कहीं भी रहें सुन के तुरंत दौड़े दौड़े चले आते हैं। और इनको बिल्कुल पानी बहुत अच्छा आता है, अगर आपके पास पानी नहीं है तो आप ज़रा सा, अगर आपके पास ज़मीन हो तो थोड़ा सा उसमें खुदाई करवा के उसमें पानी डेली का डेली थोड़ा थोड़ा डाल के वो उसमें भी सरवाइव कर ले जाएंगे। इसका ऐसा ऐसा नहीं होता कि एकदम इनको तालाब चाहिए बिल्कुल तैरने के लिए, ऐसा नहीं है। खाने में जैसे ये मेरे पास हैं तो ये जैसे घास पास खाते हैं, कुछ ऐसे जो घास पास निकलता है वो सब खाते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, धान खाते हैं, इस तरीके की सारी चीज़ें ये खाते हैं। और खाने का इनका सिस्टम है कि आप थोड़ा इनको ले जाकर रख दीजिए, दिन भर में जब इनको टाइम लगेगा या भूख लगेगा ये आके खा जाएंगे, खा के वापस से पानी में चले जाएंगे। और बहुत ही प्यारा है, अभी आपको देख रहे हैं वीडियो में 2-3 मेरी इधर उधर भी हैं, पीछे देखिए टहल रहे हैं, आ रहे हैं। और खाने के लिए इनमें बहुत सारी लड़ाइयाँ होती रहती हैं, खाने का इनका है अपना सिस्टम। तो चारों तरफ से ये बैरिकेशन का फ़ायदा ये हो जाता है कि दिन भर अगर उसमें रहें भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि कोई जानवर वगैरह ऐसा कुछ तो उसको खाने वाला नहीं है। और ये देखिए रोटी अभी भी, ये जब मैं वीडियो ये एडिट कर रहा हूँ तभी भी देखिए, और ये बिल्कुल वैसे ही बोलते रहते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है ये इनके, मतलब अच्छा लगता है। और ये देखिए जैसे जैसे इन्होंने खा लिया, खाने के बाद ये अब पानी पीने की तरफ चल दिए हैं, अब एक एक जैसे इन्होंने खा लिया पानी पीएंगे। और यहीं ये पेड़ है, पेड़ के नीचे बैठ के पूरी दोपहर धूप से छाँव में रहेंगे और आराम करेंगे, बिल्कुल आराम करने के बाद फिर पानी में चले जाएंगे, फिर अपने आप की सफाई करेंगे। और ऐसे ऐसे करके पूरा प्रोसेस एक इनका होता है, मैं आपको शेयर करूँगा। ये देखिए दूसरा भी चला गया, एक ऑलरेडी जा चुका है, अब धीरे धीरे सब खा लिए और इन्होंने अब इनका ब्रेकफास्ट हो गया, अब ये चले जाएंगे। साथ ही साथ एक बगल में मैं इस वीडियो में मैं शूट नहीं कर पाया इनका एक बिल्कुल ऐसा रखा हुआ है और उसमें गेहूँ और एक पे चावल, ये वो भी खाते हैं और दोनों साइड में रखा रहता है, जब इनको भूख लगता है आके खा जाते हैं। और यही पेड़ है गाइस, इसी पेड़ के नीचे, और ये देखिए मैं जाके आपको दिखा रहा हूँ पास से, ये देखिए इसी पेड़ के नीचे ये लोग रहते हैं और इसी पेड़ के नीचे देखिए पानी में कितना प्यारे से तैरते रहते हैं। और ये बहुत ही प्यारे लगते हैं, तालाब ये तालाब में मछलियाँ भी बहुत सारी हैं और एक में इनको बिल्कुल मैं अलग एक एटमोसफेयर दे रखा है कि मछलियाँ भी हैं, बहुत प्यारी प्यारी मछलियाँ इसके अंदर हैं। तो उसका भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा, जैसे जैसे मछलियाँ मुझे मेरी थोड़ी बड़ी होंगी मैं आपको अपलोड करके दिखाता रहूँगा।
ये देखिए, ये बहुत ही प्यारे तैरते रहते हैं और ये ऐसे ही तैरेंगे करीबन 1-1.5 घंटे, फिर साइड साइड से जो भी घास है ऐसा वैसा कुछ कीड़े वीड़े हो